नमस्कार, योग पथ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे योग की सहायता से आप डायबिटीज को नियंत्रित रख सकते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, जो कि शुगर के एक प्रकार है। इस शुगर का लेवल जब हमारे खून में, रक्त में ज़्यादा हो जाता है, इसे हम शुगर डिजीज या डायबिटीज या मधुमेह के नाम से जानते हैं। यह डायबिटीज तब होती है जब इंसुलिन हार्मोन, जो कि इस शुगर को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, या तो उसकी मात्रा कम हो जाती है या वो नॉन फंक्शनल काम नहीं कर पाता है। तो इस हार्मोन को हम नियंत्रित रख सकते हैं। यह हार्मोन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के पैंक्रियाज से रिलीज होता है। अगर हम अपने पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, तो हम इस पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले हार्मोन इंसुलिन को नियंत्रित कर सकते हैं और ब्लड शुगर लेवल को भी। तो आइए देखते हैं कैसे योग की सहायता से हम अपने पाचन तंत्र को सुदृढ़ कर सकते हैं और डायबिटीज को नियंत्रण में रख सकते हैं। योग वह चमत्कारी उपचार है जिससे हम डायबिटीज या मधुमेह को आसानी से नियंत्रण में रख सकते हैं। अब हम करते हैं बैठकर करने वाला अर्ध मत्स्येन्द्र आसन, जिसे हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस भी कहा जाता है। यदि आपको कमर में दर्द की समस्या या घुटने में दर्द हो तो इस आसन को ना करें। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हुए सामने की ओर बैठ जाएं। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर अपने दाएं पैर के ऊपर परपेंडिकुलरली रखें। फिर अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए उसकी एड़ी को अपने बाएं पैर के हिप के नीचे रख लें। अब अपने दाएं हाथ को इस प्रकार मोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को थोड़ा प्रेस करते हुए फोरआर्म को और उंगलियों को सीधा और स्ट्रेच रखें। बाएं हाथ को पीछे की ओर हथेली ज़मीन को छूते हुए सीधा रखें और पीछे की ओर देखते रहें। 5 से 10 सेकंड के लिए इस अवस्था में रुकें। आपके दोनों हाथ एकदम सीधे रहने चाहिए, कमर सीधी रहनी चाहिए और फील करें आपके लेग्स पर, आपके स्पाइन पर, आपके हैंड्स पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है। थोड़ा समय रुकने के बाद वापस दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके खोलते हुए बैठ जाएं और थोड़ा आराम करें। अब हम दूसरी दिशा की ओर इस आसन को दोहराएंगे। उसी प्रकार पैरों को सीधा सामने की ओर रखते हुए, उसी प्रकार पैरों को सीधा रखते हुए बैठें और अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर परपेंडिकुलरली रख लें। फिर अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए उसकी एड़ी को दाएं हिप के नीचे रखें। फिर अपने बाएं हाथ को बेंड करके अपनी राइट नी को प्रेस करते हुए फोर आर्म स्ट्रेच्ड और सीधी, फिंगर्स ऊपर की ओर पॉइंट करते हुए, और अपना दायां हाथ हथेली ज़मीन को छुआते हुए पीछे की ओर सीधा करके रखें और पीछे की ओर देखते रहें। आपकी कमर, आपके हाथ बिल्कुल सीधे और स्ट्रेच रहने चाहिए और फील करें आपके स्पाइनल कॉर्ड पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है। 5 से 10 सेकंड या जितनी देर आराम से रुक सकते हैं इस अवस्था में रुकें। उसके बाद वापस दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके रखते हुए बैठ जाएं और थोड़ा आराम करें। अब हम करते हैं बैठकर करने वाला मंडूक आसन, जिसे फ्रॉग पोज भी कहा जाता है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, घुटने में दर्द, कमर की समस्या या पल्स बवासीर हो तो इस आसन को ना करें। पूरे आसन के दौरान सामान्य तरीके से श्वास लेते रहेंगे। अब सबसे पहले अपने घुटनों के बल
पैरों को मोड़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। आपके पैरों के पंजे पीछे की ओर खींचे हुए होने चाहिए। अब अपने बाएं हाथ से अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएं और उसे अपनी नाभि नेवल के ऊपर रख लें। फिर दाएं हाथ से उंगलियों को जोड़कर रखते हुए दाएं हाथ को बाएं मुट्ठी के ऊपर रखें। फिर कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुक जाएं। चेहरा सीधा रखें, सामने की ओर देखते रहें। सामान्य तरीके से सांस लेते रहें। जितनी देर आराम से इस अवस्था में रुक सकते हैं रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। दो तीन लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे और एक बार फिर से इस आसन को दोहराएंगे। कुछ अभ्यास के बाद जब आप सांस रोककर इस आसन को करने में समर्थ होंगे तो सांस लेकर छोड़ते हुए आपको आगे की ओर झुकना है और सांस रोकते हुए बाहर ही सांस छोड़ते हुए आपको यह आसन जितनी देर रुक सकते हैं इस आसन में रुकना है और फिर प्रेशर फील करें, जो आपके एब्डोमिनल रीजन पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेजोनेट और स्ट्रेंथन होगा, जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन जो कि डायबिटीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो स्टिमुलेट होगा। कुछ समय रुकने के बाद वापस सांस लेते हुए सीधे हो जाएं और लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब हम करते हैं बैठकर करने वाला गौमुख आसन, जिसे काउस पोज भी कहा जाता है। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं, फिर अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए सामने की ओर ले आएं और दाएं पैर के ऊपर रख लें ताकि आपके दोनों पैरों के घुटने एक के ऊपर एक रहें, पैरों के पंजे बाहर की तरफ निकले हुए। आराम से इस मुद्रा में बैठ जाएं। अब अपनी कमर को सीधा रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर से पीछे की तरफ मोड़ें और दाएं हाथ को नीचे की तरफ से पीछे की ओर मोड़ें और दोनों हाथों को इस प्रकार पकड़ लें। आप चाहें तो धीरे धीरे कोशिश करके ऐसे पकड़ भी सकते हैं और नहीं होता है तो जितना कोशिश करके पास तक ले जा सकते हैं ऐसे ले जाएं। आपकी स्पाइन इसमें सीधी रहनी चाहिए, जो आपका ये घुटनों की पोजिशन है एक के ऊपर एक रहनी चाहिए। आप फील करेंगे आपकी पूरी अपर बॉडी नीज तक एक अलग ही स्ट्रेस में है, पूरा प्रेशर है उसके ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए जितनी देर इस अवस्था में रुक सकते हैं रुकें। इसके बाद धीरे से हाथों को वापस लाते हुए पैरों को खोलें और आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। शुरुआत में आप इस आसन में सामान्य तरीके से श्वास ले सकते हैं। बहुत अभ्यास के बाद आप इसे इनहेल एक्सहेल श्वास लेना और छोड़ना उसकी सिंक्रोनाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं। दो से तीन लंबी गहरी सांस के साथ थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर से यही प्रक्रिया पैरों की दूसरी ओर से दोहराएंगे। अब की बार आपका दायां पैर बाएं पैर के ऊपर होगा और दायां हाथ ऊपर की ओर होगा। आइए शुरू करते हैं। दायां पैर बाएं पैर के ऊपर, घुटने आपस में जुड़े हुए, जो ऊपर पैर है उसे नीचे की ओर धकेलें। कोशिश करें अपने पैरों को प्रेस करने की। कमर सीधा रखते हुए दाएं हाथ को उठाकर ऊपर से पीछे की ओर मोड़ें। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर की ओर मुड़ेगा। पीछे से यदि आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ें, नहीं तो कोशिश करके जितना पास ला सकते हैं उतना पास में ले आएं।
इससे आपकी जो स्पाइन है उसको जो स्ट्रेच मिलेगा वही इस आसन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। साथ ही पैरों की इस बनावट से जिसमें पैरों के पंजे बाहर की ओर स्ट्रेच्ड हैं, इस प्रकार से जो पैरों की आपकी बनावट है इस समय, इसकी वजह से जो आपके नेवल के सेंटर पर, सेंट्रल प्लेक्सस पर जो प्रेशर पड़ रहा है जिससे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, और जो आपकी स्पाइन में सप्रेशन कॉम्प्रेशन आ रहा है, इन दोनों के तालमेल से जो आपके मस्तिष्क में संवेदनाएं आती हैं उसकी वजह से जो आपकी तकलीफ है वो दूर होती है। यह आसन यह अभी हम कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, जिससे कि आपको बहुत सहायता मिलेगी। जितनी देर आप इस अवस्था में रुक सकते हैं रुके, उसके बाद हाथों को नीचे ले आए, पैरों को सामान्य अवस्था में वापस खोल दें और बैठ जाएं। शुरुआत में ध्यान रखेंगे आप यह आसन नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल तरीके से सांस लेते हुए करेंगे। फिर बहुत अभ्यास के बाद जब आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं तो श्वास लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, रोकेंगे, कुंभक लगाएंगे, और जब हाथ नीचे की ओर लाएंगे तब सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस लेते हुए सांस ऊपर ले जाना है, सांस रोकना है, पोस्चर बनाए रखना है, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आना है। यह था गौमुख आसन। आइए एक बार फिर से इस आसन को दोहराते हैं। पहले अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के ऊपर ले आए, आपके दोनों पैरों के घुटने एक के ऊपर एक और पैरों के पंजे बाहर की ओर निकले हुए। आराम से इस मुद्रा में बैठ जाएं। अब अपनी कमर को सीधा रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर से और दाएं हाथ को नीचे की ओर से पीछे की तरफ मोड़ लें, और पीछे ले जाकर दोनों हाथों को मोड़ लें। आप कोशिश करके पकड़ सकते हैं, यदि आप पकड़ने में असमर्थ हैं तो जितना कोशिश करके पास तक ले जा सकते हैं ले जाएं। आपकी स्पाइन इसमें सीधी रहनी चाहिए और आपके घुटनों की पोजीशन एक के ऊपर एक ही बनी रहे। आप फील करेंगे आपकी पूरी बॉडी शोल्डर से लेकर नीज तक एक अलग ही प्रेशर में है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, जितनी देर इस अवस्था में रुक सकते हैं रुके, उसके बाद धीरे से हाथों को वापस खोलें, पैरों को खोलते हुए आरामदायक सुखासन में बैठ जाएं। शुरुआत में आप इस आसन में सामान्य तरीके से श्वास लेते रहेंगे। अब दूसरी ओर के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। यह जो गौमुख आसन है इसमें एक साथ जब आपकी स्पाइन में जो कॉम्प्रेशन होता है और जो आपके लेग मसल्स में स्ट्रेच होता है, यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट इंटरनल ऑर्गन्स की टोनिंग के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म एफिशिएंटली वर्क करता है और आपके पैंक्रियाज जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन बना पाते हैं, ताकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे और आपको डायबिटीज़ की, मधुमेह की समस्या ना हो। इस आसन के नियमित और सही ढंग से आपके पैरों के घुटने एक के ऊपर एक हों, जुड़े रहें, आपके हाथ पूरे तरीके से खिंचे हुए, मुड़े हुए, और फील करें जो आपके नेवल एरिया पे प्रेशर और जो कमर पे प्रेशर डेवलप हो रहा है। इस प्रेशर से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है उससे वो और एफिशिएंटली वर्क करने लगता है। यह गौमुख आसन आपके एब्डोमिनल रीजन के ऑर्गन्स के लिए बहुत ही चमत्कारिक आसन है। जितनी देर हो सके आप इस पोजीशन को गौमुख आसन की होल्ड कर सकते हैं उतनी देर के लिए करें। शुरू में आप आइए अब करते हैं सुप्त वज्रासन, जिसे स्लीपिंग थंडरबोल्ट पोज भी कहा जाता है। यदि आपको शाटिका पेन, घुटने में दर्द, मसल पुल
या ब्लीडिंग पाइल्स हो तो इस आसन को ना करें। पूरे आसन के दौरान सामान्य तरीके से सांस लेते रहेंगे। सबसे पहले पैरों को मोड़कर कमर सीधी रखते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपनी पैरों की एड़ियों को अपने हिप्स के नीचे से निकालते हुए पैरों के साइड में रख लें। अब अपने हाथ से सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेट जाएं। सर को जमीन पर टिकाते हुए कोशिश करें आपके अपर बैक, लोअर लेग्स और सर जमीन को छूता हो। अपने हाथों को थाइस के जांघों के ऊपर रखें। सामान्य तरीके से सांस लेते रहें और फील करें जो आपके एब्डोमिनल और थाई रीजन में एक स्ट्रेच का प्रेशर डेवलप हो रहा है। इससे आपके एब्डोमिनल इंटरनल ऑर्गन्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। अंदर के सभी ऑर्गन्स टोन अप हो जाते हैं। जितनी देर हो सकता है इस अवस्था में रुकें, फिर धीरे से हाथ से सपोर्ट करते हुए वापस उठें और लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा आराम करें। एक बार फिर से देखते हैं इस आसन को कैसे करना है। पैरों के पंजों को हिप्स के साइड में रखते हुए अब अपने हाथ के सहारे से धीरे धीरे लेटते हुए अपने पूरे शरीर को जमीन से लगा देंगे। यह आसन आपके सिस्टम्स के लिए, आपके थोरासिक केज की स्ट्रेचिंग के लिए, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के एक्सपोजर के लिए, आपका एब्डोमिनल रीजन जो पूरा दिन बैठे या खड़े रहने की वजह से सिकुड़ा रहता है, इस आसन में लेटने से उसको पूरा एक्सपोजर मिलता है फैलने का, एक्सपैंड करने का। तो जो ऑर्गन्स हैं आप एक तरह से कह सकते हैं उनको सांस लेने का मौका मिलता है और फिर वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। यह था सुप्त वज्रासन। अब हम करेंगे पेट के बल लेट कर करने वाला भुजंग आसन, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। यदि आपको हर्निया, कोई एब्डोमिनल सर्जरी या दिल की समस्या हो तो इस आसन को ना करें। पूरे आसन के दौरान सामान्य तरीके से सांस लेना है। अब पेट के बल लेटते हुए अपने हाथों को कंधों के जस्ट नीचे रखें और सांस लेते हुए नाभि से ऊपर के शरीर के भाग को ऊपर की ओर उठाएं। अपने सर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएंगे और ऊपर की ओर देखते हुए किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जितनी देर हो सके आराम से इस अवस्था में रुकेंगे, सांस रोकते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस ज़मीन पर लेट जाएंगे और अपनी थोड़ी को ज़मीन पर टिका देंगे। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब इस आसन में जो लोग अपनी कमर को ज़्यादा पीछे की ओर किसी कारणवश नहीं झुका सकते हैं तो वे केवल सांस लेते हुए, और यदि आपको सांस लेने और छोड़ने के सिंक्रोनाइजेशन में शुरुआत में थोड़ी सी अनइजीनेस है तो आप सामान्य तरीके से सांस लेते हुए भी इसे कर सकते हैं। आप कमर को आराम से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाते हुए ऐसे हाथों को एंगुलर मोड़ कर रखते हुए, सीधा नहीं करेंगे, इस प्रकार भी आप भुजंग आसन कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे नियमित अभ्यास से जब आपको लगे कि आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, तो आप वह पहले वाला
हाथ सीधा रखते हुए संपूर्ण भुजंग आसन भी कर सकते हैं। यह एंगुलर हाथों को रखना शुरुआती अभ्यास के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अभ्यस्त होने के बाद आप संपूर्ण हाथों को सीधा रखते हुए भुजंगासन संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। भुजंगासन से आपकी स्पाइनल कॉर्ड रिजुविनेट होती है। अब हम देखेंगे अगला प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, जिसे फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग ब्रेथ भी कहा जाता है। यदि आपको थ्रोट इन्फेक्शन या कोल्ड हो तो इस प्राणायाम को ना करें। हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया और दिल की बीमारी की अवस्था में भी इस प्राणायाम को ना करें। आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठते हुए हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रखें, फिर धीरे से लंबी गहरी सांस अपनी नासिका से लेते हुए पेट को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए नाक से ही जितना हो सके अपने पेट को अंदर की ओर खींचे पिचकाएं। सांस छोड़ने की गति आपकी तीव्र होनी चाहिए। जितना समय आपको सांस लेने में लग रहा है उससे कम से कम आधा या उससे भी कम समय सांस छोड़ने में आपको लगाना है। सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को पिचकाएंगे। कुछ बार, 5 से 10 बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेंगे और यह आपके कपालभाति प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। आपको यह चक्र कम से कम 3 से 5 बार या अपने शारीरिक क्षमता अनुसार 3 से 5 मिनट के लिए दोहराना है। यह कपालभाति प्राणायाम आपकी पूरी बॉडी सिस्टम्स के लिए, उनको इंटरनली टोन करने के लिए, उनको सूद करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस प्राणायाम से आपका बॉडी टॉक्सिन, आपके मेंटल टॉक्सिन जो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी होती है वो भी बाहर निकल जाती है और आपकी बॉडी। नाउ वी विल क्लोज दिस थेरेपी सेशन विद अ प्रेयर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।